अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक मसूद और आज हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ और नियत कर रहे हैं यहाँ से उम्रा की। ये मिकात का पॉइंट है, मस्जिद है दुहुल हुलैफा और इस पे ये देख रहे हैं आप जैसे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं खजूर के और सफ़ेद रंग की ये मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई है। यहाँ जो भी हज और उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नियत करते हैं, आराम बांधते हैं, दो रकात नमाज नफल पढ़ते हैं जिसकी बड़ी फजीलत है और आराम बांधने के बाद फिर यहाँ से वो रवाना होते हैं मक्का मुकरमा की जानब। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो मिकात है, मिकात के वो पॉइंट्स होते हैं जो हरम शरीफ के चारों अतराफ़ में जैसे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ नक्शे में मुख्तलिफ जगहों पर बने हुए हैं, वहाँ से आपने हरम बांधना होता है, अहराम बांधना होता है और नियत करनी होती है उम्रा की या हज की, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो जो मक्का के लोग हैं वो मस्जिद आयशा में जो है आके अहराम बांधते हैं और जो मदीना से और इस इलाके से जा रहे होते हैं वो यहाँ इस मिकात इस पॉइंट से जो है वो अहराम बांधते हैं। तो इस मस्जिद को बहुत बड़े मेयार पर बनाया गया है। ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा वाशरूम गुसलखाने वगैरह मौजूद हैं सैकड़ों की तादाद में, तो जितने भी ज़ायरीन हों वो इजीली यहाँ आके गुसल करके वज़ू करके अहराम बांध सकते हैं और नियत कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने भी अहराम बांध लिया है, नियत कर ली है, दो रकात नमाज नफल भी अदा कर ली हैं। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़ करते हैं मिकात मस्जिद को और इस खजूरों के और मस्जिदों के शहर मदीना को, और चलते हैं इस मुकद्दस सफ़र पर जो कि है मदीना से मक्का की जानेब आज उम्रा की नियत से। तो रहिए मेरे साथ और दिखाता हूँ आपको मदीना के मनाजिर, फिर रास्ते के मनाजिर और दिखाऊंगा आगे जाके हरम शरीफ के मनाजिर भी। साथ ही आपको बताऊंगा कि मक्का में रहने वाले जो लोग हैं वो जब हज या उम्रा के लिए जाते हैं तो कौन सी मस्जिद से वो आराम बांधते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मदीना से निकलते हैं तो छोटी बड़ी पहाड़ियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो रोड के दोनों अतराफ में मुसलसल साथ साथ चलता रहता है। ऐसे लगता है कि जैसे ये मुकद्दस फरीज़ा अदा करने के लिए पहाड़ भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। सऊदी अरब के बारे में मेरा जो कॉन्सेप्ट था कि शायद यहाँ पे सहरा होंगे और पहाड़ी जो है सहराई टीले होंगे रेत के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पहाड़ है और हर जगह पहाड़ी पहाड़ हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से आपको बताता चलूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो ये तकरीबन 430 किलोमीटर का फासला है मदीना शहर से मक्का का, जो कि आप तय करते हैं 4 से 4.5 घंटे में, और अगर आप बस पे या किसी और ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो फिर ये फासला 8-7 घंटों तक भी जा सकता है। तो मेरी एडवाइस है कि अगर आप 3-4 लोग हैं, आपके पास बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो आप अपनी कैब लें। तो कैब जो है वो तकरीबन 200 से 250 रियाल के करीब चार्ज करते हैं, जो कि काफ़ी मुनासिब है और अच्छा कन्वीनियंट एक तरीका हो सकता है आपको ट्रैवल करने के लिए। अजीब बात यह है, कितने घंटे हो गए हैं लेकिन पहाड़ों में कहीं भी कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा, तो बस हर जगह एक जो है बिल्कुल सख्त यान किस्म के स्याह रंग के पहाड़ हैं और कुछ नहीं है यहाँ। और ये देखिए, ये चंद एक झाड़ी नुमा दरख्त नज़र आए हैं, तो मैं इन दरख्तों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि जो इतने सख्त मौसम में और इतनी कम बारिशों में भी सरवाइव कर रहे हैं। तो इन दरख्तों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जो खुद तो मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं लेकिन राह चलते मुसाफिरों को अपना ठंडा साया फराहम करते हैं। इंसानों को भी ऐसे होना चाहिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, ना कि राह में रोड़े अटकाने चाहिए। उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। जो फूल और माशाल्लाह मक्का के हदूद में आए हैं और ये देखें काफ़ी ग्रीन जो है नज़र आ रहा है फील्ड। तो बताया जा रहा है कि कुछ अर्से पहले ही बारिशें हुई हैं तो जिसकी वजह से काफ़ी घास वगैरह उगाई है। तो बस हम मक्का की सरदों में दाखिल हो गए हैं, तो मज़ीद दिखाते हैं आपको शहर मक्का।
ساون کی وہ برکے فگٹا سب کے لیے ہے ساون کی وہ برکے فگٹا سب کے لیے ہے اس رب دو عالم کی ادا سب کے لیے ہے اس رب دو عالم کی ادا سب کے لیے ہے تو جی یہ ہے وہ مسجد عائشہ مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگ جب عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہیں تو وہ یہاں آتے ہیں یہاں سے احرام باندھتے ہیں دو رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں حرم شریف کی جانب تو یہاں سے احرام باندھ کے جانا لازمی ہوتا ہے نہ جانے کی صورت میں ایک دمبا جو ہے اس کی قربانی دینا پڑتی ہے اور یہ دیکھیے دور جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے کلاک ٹاور مشہور زمانہ بلڈنگ ہے مکہ میں جو کہ بتاتی ہے کہ یہ بالکل حرم شریف کے دروازے کے باہر ہے کیا خوبصورت منظر ہے مکہ شریف سٹی کا بس اب تو ہم پہنچ ہی جا رہے ہیں بالکل قریب آ گیا ہے اس رب دو عالم کی عطا سب کے لیے ہے بڑی دیری نہ خواہش پوری میں جا رہی ہے الحمدللہ جی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الحمدللہ الحمدللہ عمرہ کا ایک بہت دیرینہ خواب پورا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حاضری آج ہمیں نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری یہ حاضری اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اپنی بارگاہ میں اور جو دوست اور بھائی اور بہنیں اس ویڈیو کو شوق اور ذوق سے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی دلی خواہش پوری ہو اور ان کو بھی یہ سعادت نصیب ہو آمین دوستو مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا پوری دنیا کی ڈیفرنٹ ویڈیوز اور ولاگز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل تھینک یو سو مچ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں میرے مدینہ اور مکہ کی زیارات کے بھی ویڈیوز آئیں گے تو پلیز وہ بھی دیکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ